नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। कालीचरण महाराज की महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस द्वारा इंदौर शहर के तमाम वार्ड स्तर पर कालीचरण का पुतला दहन किया गया और कांग्रेसियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मुंह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बगल में नाथूराम गौडसे दबा के चलने वाली पार्टी है। जिस कालीचरण को आज गिरफ्तार किया गया है, उसका दुख हो रहा है नरोत्तम मिश्रा को। गृह मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हमारे डीजीपी को पहले सूचना देना थी, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। यही गृह मंत्री उस समय थे जब विकास मिश्र का एनकाउंटर हुआ था, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। जब उनकी हिम्मत नहीं होती हुई थी कि योगी से पूछ सकें कि क्यों हमसे पूछ के उसको गिरफ्तार नहीं करा। आज एक देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही को गिरफ्तार अगर पुलिस ने किया है, तो मध्य प्रदेश पुलिस उसके साथ गिरफ्तार करने की बजाय उसको सुरक्षा दे रही है। डीजीपी ये पूछ रहे हैं कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। गृह मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। आपके मध्य प्रदेश में कोई अपराधी अगर आके शरण स्थल लेता है, वो भी बीडी शर्मा के गृह क्षेत्र खजुराहो में, इसका साफ मतलब है कि बीडी शर्मा का संरक्षण उस अपराधी को प्राप्त है। कहीं ना कहीं भाजपा का वो दो मुखी चेहरा उजागर हुआ है, जो कि मुंह में गांधी रखती है और बगल में गोट से दबा के चलती है। कांग्रेस ऐसे लोगों को रोज उजागर करेगी। जितने भी ऐसे नकली संत पाखंडी आएंगे, उनका पर्दाफाश किया जाएगा और उनको जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा। इंदौर सहित संपूर्ण देश में कपड़ा व्यवसाय पर बढ़ाए गए जीएसटी के विरोध में शहर के रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सड़कों पर पकौड़े बनाते हुए और सब्जियां बेचते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार का ध्यान आकर्षण करना हमारा उद्देश्य रहा, जिसके तहत हमने आज इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने सब्जी बेचकर, पकौड़े बेचकर, पोहे बेचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय किया है। ये सरकार को बताना चाहते हैं कि स्वदेशी अवधारणा से बनी सरकार है। स्वदेशी व्यापार को बनवाना सरकार का मूल उद्देश्य रहा, लेकिन आज ऐसा उससे विपरीत हो रहा है। इस जीएसटी के बढ़ने से भारत में बांग्लादेशी और चाइना कपड़ा बिकने लगेगा, हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री मर जाएगी, विदेशी ताकतें यहाँ जमा हो जाएगी। हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सदियों से हमारे पुरखों ने विदेशी कपड़ों की होली जला के इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। हम अपनी ही सरकार से, हमारे ही अपने प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ सुने, हमारे व्यापार को बचाएं। 12% जीएसटी हमें कतई मंजूर नहीं होगी। इंदौर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में रविन्द्र नाट्य गृह में आंगनबाड़ी से जुड़ी आशा कार्यकर्ताएं महिला सम्मिलित हुई। स्पर्धा को लेकर अधिकारियों ने बैठक लेकर मापदंड के बारे में अवगत कराया। ये आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी तक संपूर्ण जिले में आयोजित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप, क्योंकि पोषण अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है और पोषण जागरूकता के लिए जनवरी महीने में 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर एक बालक बालिका स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। और इस स्पर्धा, चूँकि ये बड़ा कार्यक्रम है और इसमें 6 साल तक के सभी बच्चे हमें इसमें कवर करने हैं, और इन सभी बच्चों की लंबाई ऊंचाई के हिसाब से वजन का आकलन कर एक हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें दर्ज करके उनके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उनका जो पोषण स्तर है, वो ज्ञात किया जाएगा। और जो बच्चा स्वस्थ बच्चा निकलेगा, उस बच्चे के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से वो वजन हो सकता है, हमारे जो एनजीओ हैं उनके माध्यम से हो सकता है, और इसमें सिटीजन या पेरेंट्स खुद भी स्वयं भी उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपने बच्चे का लॉगिन या कर सकते हैं और बच्चे के वजन की एंट्री कर सकते हैं। IPS रियाज इकबाल ने DCP जोन 3 का पदभार ग्रहण किया। वर्तमान DCP जोन 3 विजय खत्री ने उन्हें कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रियाज इकबाल ने कहा कि हाल ही में राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है, जिसके तहत जो जिम्मेदारी मिली है उनका प्राथमिकता से निर्वहन करना पहली जिम्मेदारी है। देखिए, आप सबको जैसे पता है कमिश्नर प्रणाली जो है भोपाल में अभी कुछ ही दिनों पहले लागू हुआ है, तो उसके अंतर्गत अभी 4 DCP जोन्स बने हैं। तो पहले प्राथमिकता वही रहेंगे कि वो जो कमिश्नर प्रणाली में जो नया चीज़ें पुलिस को जहाँ पे अभी जो जिम्मेदारी सौंपा गया है, कि जैसे कि जो CRPC की जो कार्रवाइयाँ होती है, जो न्यायालय होता है, उन चीज़ों को व्यवस्थित कराएं। दूसरा, जैसे पुलिसिंग में हर जगह होता है, खास करके हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रही है उसमें रोकथाम, ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। और भोपाल में मैं पहले ही रह चुका हूँ,
तीन साल करीब यहाँ पे काम कर चुका हूँ, पुराने भोपाल में नहीं, नए भोपाल में रह चुका है। तो एक नया चैलेंज है, इसको हम ठीक से देंगे और भोपाल पुलिस जो है अच्छे से काम करेगी। सरापा व्यापारी आशीष भंडारी के अंधे कत्ल में फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को माननीय न्यायालय नरसिंहगढ़ के समक्ष पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल किया गया। नमस्कार। पिछले वर्ष आशीष भंडारी मर्डर कांड काफी चर्चा और काफी सनसनीखेज मामला था, जिसके काफी लंबे समय से अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की सरगर्मी से तलाश की गई। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरोपी अभी मामले में गिरफ्तार किए जाने थे। भिंड मुरैना साइड टीम लगाई गई थी, मोबाइल लगाए गए थे। बड़े मुश्किल से हमें भी एक और सफलता प्राप्त हुई है, जो इनामी आरोपी है छोटू उर्फ राधा स्वामी, जो कोरसा का रहने वाला है। कोरसा बस्ती से पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास में देसी कट्टा भी मिला है। ये आरोपी और ये सड़क वहाँ भी वांटेड था, क्योंकि घटना के कुछ समय पहले इसके द्वारा लूटपाट के वहाँ करके एक मोटरसाइकिल कट्टे के नौकर लेके आए थे, वहाँ भी इसकी तलाश है और आरोपी गिरफ्तार करके जेल पहुँचाया गया है। बाकी एक आरोपी भी मामले में फरार चल रहा है, उसकी भी वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में सरगर्मी तलाश की जा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।